दोस्तों आपने एक चीज गौर की है कि कोई भी 150, 200 या 250 सीसी का बाइक की 125 सीसी वेरिएंट मार्केट में आ रहा है और बहुत ज्यादा हिट भी हो रहा है लोगों के बीच में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बजाज पल्सर N125 से वाकिफ कराने जाऊंगा और ये रही मेरे पास ये ब्लूटूथ वेरिएंट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और इस वीडियो को शूट करने के लिए थैंक्स कहना चाहूंगा ऑटो स्मार्ट कोना हावड़ा को। शोरूम की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों बजाज पल्सर N125 दो अलग अलग वेरियंट में आपको मिल जाएगा। एक है ये मेरे पास ये ब्लूटूथ वेरियंट जो की टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, एक और आपको डिस्क वेरियंट देखने को मिल जाएगी जहां पे आपको थोड़े से पतले रियर टायर देखने को मिलेगा और साथ ही में जो ब्लूटूथ एनेबल्ड जो फंक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे और जो मीटर कंसोल है वो हाफ आपको LCD देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इस गाड़ी की टॉप वेरिएंट ब्लूटूथ वेरिएंट की कोलकाता में ऑन रोड प्राइस देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 1,90,000 to 20,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। और फिलहाल जो कलर आप देख रहे हैं दोस्तों ब्लैक और जो पर्पल है, ये कलर का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ पे दिया है। कलर के बारे में क्या ख्याल है जरूर बताइए, क्योंकि वेरियंट से कलर अलग अलग हो जाते हैं। ब्लूटूथ वेरियंट के आपको अलग कलर्स मिलेंगे और आपको नॉर्मल जो डिस्क वाले वेरियंट है उसके अलग कलर्स मिलेंगे। अब दोस्तों इसमें जो इंजिन है ये कम्प्लीटली एक न्यू इंजिन है जैसा बजाज कह रहा है, क्योंकि एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड सिंगल स्पार्क प्लग वाली 2-valve BS6 फ्यूल इंजेक्टेड 125 सीसी की इंजन है। और बजाज कह रहे हैं कि इसमें बेस्ट इन क्लास पावर टू वेट रेशियो मिलेगा, क्योंकि गाड़ी की जो कर्व वेट है वो बहुत ही कम है 125 केजीस की। इसके कारण आपको फास्टेस्ट 0-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी इसमें अचीव होता हुआ दिखता है। अब इसमें ब्लूटूथ में आपको कॉल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट फंक्शन भी देखने को मिलेगा। अब ये जो इंजन है दोस्तों, इंजन में आप इंजन जो है काफी इकोनॉमिकल है और परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी है। माइलेज ओरिएंटेड अगर आप देखें तो 55 से लेकर 60 के बीच में आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है दोस्तों और इसमें किक स्टार्ट आता है, जो कि इंडियन कंज्यूमर्स के माइंडसेट से देखें तो बहुत ही एक अच्छी चीज है। सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों हेडलैम्प यूनिट की, तो हेडलैम्प यूनिट आपको फुल्ली LED हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलता है और साथ ही में दोनों साइड से दो पैनल्स भी आपको इसके अंदर दिख जाएगा। अब ये गाड़ी को देख के मुझे काफी हद तक जो पुराने होंडा स्टनर आता था उसका याद आ रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताना, क्योंकि इसमें कुछ टैंक शाउड्स उसी की तरह दिया गया है। अब ये LED हेडलैम्प आप देख सकते हो, काफी अच्छी LED हेडलैम्प है और इसकी क्वालिटी भी अच्छा है, रोड इल्यूमिनेशन भी काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। पीछे भी आपको वही बजाज का जैसा हमेशा से मिलता आया है वही ट्विन LED स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके जो इंडिकेटर्स है दोस्तों, इंडिकेटर्स आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब टाइप का देखने को मिल जाएगा। अब इस गाड़ी में काफी सारे जो साइकिल पार्ट्स एंड स्पेयर पार्ट्स है वो आपको फ्रीडम 125 से लिया हुआ दिखेगा, जैसे कि इंडिकेटर्स, टैंक, कुछ पैनल्स वगैरह आपको स्ट्रेट फ्रीडम 125 से लेकर यहाँ पे आप देख पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप ग्राफिक्स वगैरह भी देख सकते हो, ये कैसा लग रहा है जरूर बताना, क्योंकि काफी सारा ग्राफिक्स आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी थोड़ा और बेटर हो सकता था मेरे ख्याल से, वैसे काफी डिसेंट आपको यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। इंडिकेटर्स जो है उतना फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हैंडल बार यूनिट को देखें दोस्तों, तो आप एक काफी अपराइट पोस्चर में बैठते हो, यहाँ पे क्लच बहुत ज्यादा लाइट है, कोई स्लिपर क्लच नहीं है लेकिन फिर भी क्लच बहुत आपको इसमें लाइट देखने को मिलेगा। स्विच गियर की क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपको इसके अंदर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर मिल जाएगा और इंजन में आपको काउंटर बैलेंसर मिलता है जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब इसमें इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का भी फंक्शन दिया गया है, जिसकी आपको स्विच देखने को मिलेगी, क्योंकि सिग्नल में गाड़ी ऑफ हो जाता है और क्लच दबाने से स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। और ट्यूबुलर हैंडल बार है तो अपराइट पोस्चर में आप बैठते हो। मिरर्स की फील्ड ऑफ व्यू काफी अच्छी है। बात करें दोस्तों यहाँ पे मीटर कंसोल की, जिसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह मिलता है, तो इसमें आपको कॉल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, SMS एंड मिस्ड कॉल अलर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिख जाएगा और बाकी सारे जो नॉर्मल है जैसे कि Trip 1, Trip 2, टोटल किलोमीटर्स, डिजिटल क्लॉक, ब्लूटूथ के इंडिकेशन, स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे यही कहना है कि गियर पोजिशन इंडिकेटर, टैंक रेंज और टैकोमीटर, ये तीन चीजें आप इन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए था। अब ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे SMS, कॉल अलर्ट्स, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ऑन द गो कॉल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर पाएंगे ब्लूटूथ के जरिए अपने मोबाइल फोन से कनेक्टेड होने के साथ साथ, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी चीज है। मीटर कंसोल थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था मेरे ख्याल से, मीटर कंसोल थोड़ा सा एक लेट डाउन है, क्योंकि आपको इसमें टैकोमीटर और गियर पोजीशन इंडिकेटर एटलीस्ट इन्होंने इनके देना चाहिए था।
अब देखिए टैंक के ऊपर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि बजाज लगभग अभी हर गाड़ियों में दे रहा है जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। बात करें दोस्तों यहाँ पे फ्यूल टैंक की तो 9.5 लीटर की पेट्रोल टैंक है, पल्सर की आपको 3D एम्बलम इसके ऊपर मिल जाएगा। ये टैंक शाउड्स है और मेन जो पेट्रोल टैंक है डायरेक्ट आपको फ्रीडम 125 का ही सेम टैंक यहाँ पे भी इन्होंने यूज किया है। टैंक शाउड्स आप देख सकते हो, पल्सर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस गाड़ी की एक बहुत ज्यादा इन्होंने बात ये लोग बात करें कि बेस्ट इन क्लास पावर टू वेट रेशियो आपको मिलेगा, फास्टेस्ट 0 to 60 मिलेगा। अब ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि गाड़ी की कर्व वेट जो है ये बहुत ही कम रखा गया है लाइटेस्ट इन सेगमेंट। साथ ही में दोस्तों 9.5 लीटर्स की पेट्रोल टैंक मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कम मिलता है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 795 mm की सीट हाइट है। सीट की अगर कंफर्ट की बात करें दोस्तों तो बहुत अच्छा कंफर्ट है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग सीट है तो कंफर्ट के मामले में एज द राइडर एज वेल एज द पिलियन आपको कोई यहाँ पे दिक्कत वाली चीज नहीं होगी। अब इसमें कंफर्ट अच्छा है, सॉफ्टनेस अच्छा है, पीछे आपको 125 लिखा हुआ दिखेगा और पीछे आपको एक सिल्वर कलर की ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। काफी शॉर्ट मडगार्ड है और 795 mm सीट हाइट है तो मीडियम से लेकर टॉल हाइटेड राइडर्स को यहाँ पे कोई इशू नहीं होगी। अराउंड 5'6" या 5'7" अगर आपकी हाइट है अराउंड 5.5 feet का तो आप इजीली इस गाड़ी को चला पाएंगे। एक और बहुत ही अच्छी बात है, हाईएस्ट इन सेगमेंट ग्राउंड क्लीयरेंस आपको मिलता है 198 mm की जो कि बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को लेकर कोई भी ऑफ रोडिंग पैचेस में जाते हो या फिर ऊबर खाबड़ जगह पे राइड करते हो तो कोई भी नीचे से टकराने का जो इशू है वो आपको यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगा। अब इस गाड़ी में जो अगर ब्रेक्स की देखे दोस्तों तो आपको कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। फ्रंट वाले सस्पेंशन को देखे तो 125 mm ट्रैवल के साथ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है जिसको कवर किया गया है ताकि डस्ट एंड डर्ट से प्रोटेक्टेड रहे, ऑयल सील काटने का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे काफी कम रहता है। अब इन दोनों ही जो टायर्स है 17 इंच के ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, आगे की तरफ 240 mm की डिस्क आता है और आगे वाले जो टायर है ये 80/100 प्रोफाइल का टायर है। ड्यूअल टोन यहाँ पे मडगार्ड इन्होंने यूज किया है। ABS का माहौल ऐसा है कि बजाज कह रहा है अगर चाहिए तो उन्होंने तो वो लोग बाद में ABS प्रोवाइड करेंगे। पीछे आपको एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन मिलेगा ये भी 125 mm ट्रैवल के साथ और पीछे आपको ये टॉप वेरिएंट पे 110/80 सेक्शन वाले टायर मिलेगी और नॉर्मल ड्रम ब्रेक पीछे की तरफ मिलेगा। इसके लोअर वेरिएंट को लेंगे तो आपको 100 सेक्शन पीछे वाला टायर मिलता है। टायर हगर आता है, फिटमेंट काफी अच्छा है, अंडरबेली आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा और कोई भी RLP सेंसर वगैरह यहाँ पे नहीं है तो एग्जॉस्ट जो है दोस्तों पानी वाले जगह में अगर आप चलाएंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ओपन नेकेड चेन आता है, सारी गार्ड और साथ ही में लेडीज फुटरेस्ट भी आता है जो कि अगेन एक नेकेड बाइक के हैसियत से देखें तो काफी अच्छा है। अब इस गाड़ी की व्हील बेस जो है 1295 mm है, सिटी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगे और बजाज की एक अच्छी बात है दोस्तों कि इसकी जो स्पेयर पार्ट्स है हर जगह पे अवेलेबल मिल जाता है, कोई भी मैकेनिक इसकी काम कर देता है और डीजल वैल्यू भी काफी इसके अंदर अच्छा रहता है। और पल्सर की बैजिंग है, N सीरीज की प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बना हुआ है तो आपको यहाँ पे कोई भी उन चीजों के बारे में दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप इस गाड़ी को चला पाएंगे, खास करके नौजवानों को टारगेट करके सिटी यूसेज के लिए बनाया गया है। ओवरऑल गाड़ी कैसा लगा, कलर कैसी लगी, फीचर्स कैसा लगा जरूर बताना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आगे फिर मिलेंगे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ।